हेलो एवरीवन, आज है 26 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, स्टॉक को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है और शेयर्स में आज 5% की एक बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली है। देखिए, 48 रुपीज के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले काफी दिनों से ये गिरावट चल रही है इसमें और शेयर्स में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें निकल के आ जाती है जो शेयर के प्राइस को और ज्यादा नीचे गिरा देती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इस गिरावट की वजह क्या है और आने वाले दिनों में हमें इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करने उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यस बैंक का जो शेयर है 48 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी 5% की एक बहुत बड़ी हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में इसके शेयर्स में आप देखेंगे 23% तक की गिरावट है। 42 रुपीज तक का लो है, 70 रुपीज तक का हाई, एक बहुत बड़ी रैली आई थी, फिर बाद में एक बहुत बड़ी गिरावट आई, फिर तेजी की तरफ शेयर जरूर बढ़ा लेकिन बाद में फिर से गिरावट की तरफ ही ये जा रहा है। पिछले एक साल में यस बैंक का जो शेयर है उसमें 72% तक की हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। आप देखिए, 280 रुपए तक का हाई इसने बनाया हुआ था, बाद में आप देखिए गिरावट, देखिए गिरावट ही गिरावट आती गई यहाँ पर, बाद में फिर तेजी आई, अब एक बहुत बड़ी गिरावट भी इसमें चल रही है। 3 साल में यस बैंक के शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 78% तक की गिरावट देखने को मिली है। 393 रुपीज तक का हाई था और आप देखिए 32 रुपए तक का लो भी बना चुका है। और याद रहे, ये जब लो इसने 32 रुपए का जब लो बनाया था तब शेयर 29 to 30 रुपीज तक भी गिर गया था, 30 रुपए से भी नीचे इसकी कीमत चली गई थी। यहां पर हम बात करेंगे तो देखिए, मिड कैप स्टॉक है 12,421 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में आप देखेंगे तो 21 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। हालांकि नतीजे बहुत बुरे आए थे सितंबर क्वार्टर के, 600 करोड़ का इन्होंने लॉस बुक किया था, 7,380 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट अर्निंग था और उसमें भी 600 करोड़ का लॉस बुक हुआ था। हालांकि जून में 113 करोड़ का प्रॉफिट जरूर हुआ था लेकिन मार्च में अगेन 1500 करोड़ का नुकसान इनको झेलना पड़ा था। और बैंक की जो एनपीएस है, और नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए, उनकी भी हालत आप देखिए तो कोई उतनी खासा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी भी यस बैंक में है उनकी असेट्स क्वालिटी को लेकर, और उसको लेकर काफी सारे जो दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स हैं उन्होंने क्वेश्चन रेज किए हुए हैं। वो उतना श्योर नहीं है कि बैंक आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगा और इसलिए वो लोग उनकी जो रेटिंग्स है उनको भी कट डाउन करते हैं, डाउनग्रेड करते रहते हैं। शेयर होल्डिंग में आप देखिए, प्रमोटर के पास 13% तक की होल्डिंग है। प्रमोटर ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग कम की है और अभी ये सितंबर का डेटा है, दिसंबर का जब डेटा आएगा तो इनकी होल्डिंग और ज्यादा कम होगी, क्योंकि राणा कपूर ने पिछले महीने एक बहुत बड़ी होल्डिंग बेची थी अपनी। और अब राणा कपूर के पास अगर हम बात करें तो ना के बराबर शेयर है यस बैंक के, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 900 शेयर बचे हैं, 1,000 शेयर्स भी नहीं है उनके पास पूरे। और याद रहे, राणा कपूर वो शख्स है जो एक वक्त में यस बैंक के कर्ता धर्ता हुए थे, जिन्होंने यस बैंक की शुरुआत की थी। आज उन्हीं के पास यस बैंक का शेयर नहीं है, सिर्फ 900 शेयर है यस बैंक के। एफआईएस की अगर हम बात करेंगे तो एफआईएस के पास 26.51% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 9.26% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 8.98% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 41.14% तक की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो प्रमोटर ने 35% की होल्डिंग अपनी गिरवी रखी हुई है। 27 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 503 एफआईएस ने यहाँ पर पैसा लगाया है, और तो और आप देखिए एलआईसी के पास 8% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 29.94% जितनी देखने को मिली है। 100% का डिविडेंड की पे कर रहे हैं, मतलब पर शेयर आपको यहाँ पर 2 रुपए मिल रहे हैं। आखिर आज की ये 5% की गिरावट क्यों है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि सिटी ने यस बैंक का जो टारगेट है उसको कट डाउन किया है। पहले 50 रुपए का टारगेट था, अब 46 रुपीज तक का टारगेट कर दिया है। देखिए, ग्लोबल ब्रोकरेज सिटी हैज कट यस बैंक टारगेट प्राइस 46 फ्रॉम 50 अर्लियर। देखिए, पहले भी कोई उतना बड़ा टारगेट नहीं था, 50 रुपए का ही टारगेट रखा था इन लोगों ने, अब उनको भी कट डाउन किया है, 46 रुपीज का किया है।
ब्रोकिंग फर्म ऑल्सो स्लैश द फाइनेंशियल ईयर 20 एंड 21 प्रॉफिट एस्टिमेट फॉर द लेंडर्स 4 to 5%। तो देखिए एक और चीज है, इन्होंने इनका जो हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर की, इनकी प्रॉफिट्स की बात करेंगे, तो जो फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 की अगर हम बात करें तो उनका जो प्रॉफिट है उनको भी कट डाउन किया कि भैया उनका जो प्रॉफिट है वो भी उतना ज्यादा नहीं होगा, ऐसा उनका कहना है। द टारगेट हैज बीन कट फॉर द स्टॉक एट द टाइम व्हेन मोस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैव कट देयर रेटिंग्स एंड द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर द बैंक सिटिंग वीक फाइनेंशियल। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इससे पहले, सिटी से पहले भी काफी सारे ब्रोकरेज फर्म्स ने इनकी जो टारगेट प्राइस है उनको कट डाउन जरूर किया है, और रीजन सबका यही था कि भैया फाइनेंशियली बैंक काफी वीक है हाल फिलहाल, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की अगर हम बात करें तो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। जैसे कि हम सब जानते हैं हाल फिलहाल में उनकी असेट्स क्वालिटी को लेकर एक बहुत बड़े सवाल अभी हाल फिलहाल में पैदा हो रहे हैं कि जो लोन इन्होंने बांट रखे हैं, ऐसे लोन बांट रखे हैं जो रिकवर करना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर, और इसीलिए काफी सारी जो बैंक ब्रोकरेज फर्म्स है इन्होंने इनकी जो रेटिंग्स है उनको भी कट डाउन किया है। ऑन ट्यूजडे ब्रिक वर्क रेटिंग डाउनग्रेड द रेटिंग ऑफ यस बैंक। अगर इससे पहले हम बात करें तो ब्रिक वर्क ने इनकी जो रेटिंग्स है उनको डाउनग्रेड कर दिया था और इनको नेगेटिव लुक में भी डाल दिया था, आउटलुक कंटिन्यू एज नेगेटिव इज एट। उनका ये कहना है कि जो चीजें निकल कर आ रही है यस बैंक में वो अभी भी पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। एट द रिसेंट कंक्लूड टाइम्स नेटवर्क्स इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव यस बैंक एमडी सीईओ रमेश गिल सेड इफ यू सी द लास्ट 3 quarters वी हैव इंडिकेटेड द एबिलिटी टू एबल द एक्सेलरेट कैपिटल ऑर्गेनिकली। तो देखिए हालांकि यस बैंक के जो एमडी चेयरमैन है रमेश गिल, उनके द्वारा स्टेटमेंट दी गई ही इकोनॉमिक के जो कॉन्क्लेव हुआ था अभी हाल फिलहाल में कि भैया पिछले 3 quarters के अगर हम बात करें तो जो उनकी कैपिटल रेज करने की जो एबिलिटीज है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज जरूर हुई, ऐसा उनका ये कहना है। वी हैव बीन एबल टू डाउन सेल अवर एसेट्स एंड जनरेट कैपिटल फ्रॉम दैट। जो उन्होंने अपने कुछ एसेट्स है उनको बेचे हैं और वहां से कैपिटल इन्होंने जनरेट किया है। वी हैव शोन एट वी आर वेरी गुड टेस्ट प्लेयर एज वेल। तो देखिए उनका ये कहना है कि भले हम शॉर्ट टर्म के लिए उतना ज्यादा ना कर पाए लेकिन अगर लंबी दूरी की बात करें तो यस बैंक में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है आगे जाने का, इनडायरेक्टली उनका ये कहना था। और अगर हम बात करें कि उन्होंने और भी ज्यादा कहा कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ थ्रोइंग अ कॉशन टू द विंड ऑफ ग्रोइंग इनडिस्क्रिमिनेटली, इट इज क्वेश्चन ऑफ टाइम बिफोर वी हैव कैपिटल। देखिए अभी अगर हम बात करें यस बैंक की तो यस बैंक में हम सबको पता है कि फंड रेजिंग को लेकर काफी ज्यादा अग्रेसिव है हाल फिलहाल में यस बैंक, और काफी, और अगर पिछले काफी वक्त से खबरें चल रही थी $2 बिलियन के निवेश को लेकर खबरें चल रही थी, और उसको लेकर मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा वीडियो बना चुका हूँ, तो हम उसमें उस सेम चीज को यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम जाए मनी कंट्रोल में तो जो सिचुएशन निकल कर आ रही है यस बैंक की वो कुछ इस तरीके से कि 75% लोग इसमें खरीदारी के लिए कह रहे हैं, 21% लोग इसमें बेचने के लिए कह रहे हैं और 4% लोग इसमें होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। उनकी अगर हम बात करें बैलेंस शीट की तो कर्जा 3,36,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनके ऊपर कर्जा है। उसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें मार्च में तो 2,75,000 करोड़ का कर्जा, तो मतलब कर्जा बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है यहाँ पर। और कंपनी की अगर हम बैंक की अगर हम पिछले 3 quarters के नतीजे देखें तो उतने अच्छे नहीं है। आपको बता दें कि 2018 तक हर क्वार्टर में 1,000 करोड़ तक का मुनाफा ये लोग करते थे लेकिन अब नुकसान ही नुकसान हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बैंक के लिए अच्छी बात तो नहीं है। अगर हम बात करेंगे इंश्योरेंस कंपनी की तो देखिए इंश्योरेंस कंपनी में भी अब होल्डिंग कम हुई है, 11% से 10 हुई है, फिर बाद में 9.04 हुई है, फिर 8.98 हुई है। म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड में भी चीजें ऊपर नीचे देखने को मिली है लेकिन उतनी ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिली है यहाँ पर। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि देखिए यस बैंक में अगर आपने खरीदारी करना का प्लान कर रहे हो तो वेट करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। रीजन बड़ा ही सिंपल है। मैं क्यों कह रहा हूँ वेट करने के लिए, क्योंकि देखिए अभी चीजें उतनी क्लियर नहीं है। यस बैंक फंड रेजिंग को लेकर जा रहा है, अब फंड रेजिंग करने के लिए वो लोग इक्विटी इश्यू करेंगे, किस प्राइस के ऊपर इक्विटी इश्यू हो रही है
वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, और कौन खरीद रहा है वो भी जानना जरूरी है, उसके बाद ही हम कोई फैसला इसमें ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जब तक फंड रेजिंग का प्लान नहीं हो जाता, जब तक कोई ट्रस्टेड प्लेयर इसमें इक्विटी नहीं खरीदता, तब तक वेट करना ही ज्यादा बेहतर होगा। बाकी मर्जी आपकी है, आपको रिस्क लेना है तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हो। मेरे हिसाब से रिटेल निवेशक अभी से दूर रहे तो ही ज्यादा बेहतर होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।